प्रिय श्रोताओं, ये कहानी है एक माँ बेटे की, कि कैसे एक माँ पुत्र प्राप्ति के लिए जगह जगह की दवाइयाँ खाती है और जब पुत्र प्राप्त हो जाता है तो मन ही मन बहुत खुश होती है, खूब मिठाइयाँ बांटती है और अपने बेटे का लालन पालन बहुत अच्छे से करती है। और आगे क्या होता है सुनिएगा जरा। आई बेटे के भरम यहाँ से इस कहानी में एक मोड़ आता है। बेटे की शादी हो जाती है, घर में सुंदर सी बहू आ जाती है, लेकिन बहू को सास के साथ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अपने पति को कहती है कि मैं तुम्हारे घर में जब रहूँगी, जब तुम अपनी जन्म देने वाली माँ का कत्ल कर दोगे। और आगे क्या हुआ सुनिएगा जरा। इन महलों
श्रोताओ, अब वो लड़का पत्नी के प्यार में इतना अंधा हो जाता है कि माँ की ममता भूल जाता है और पत्नी के कहने पर माँ का कत्ल करने की मन में ठान लेता है। और आगे क्या होता है सुनिएगा जरा। आखिर माँ तो माँ होती है, बहू के कहने पर बेटे ने माँ का कत्ल तो कर दिया, लेकिन माँ की आत्मा ने फिर भी एक ही बात कही कि बेटा तू मेरी आत्मा अपने साथ ले जा, कहीं ना कहीं तेरा सहारा बनेगी। और माँ की दिल की आवाज क्या कहती है सुनिएगा जरा। जैसी करनी वैसी ही भरनी, उसने अपनी माँ का कत्ल कर दिया, लेकिन ये देखकर उसकी पत्नी के मन में ख्याल आता है कि जो अपनी माँ का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा, इस कातिल को तो जेल भेजना चाहिए। और इतनी ही देर में उसकी पत्नी पुलिस वालों को बुलाकर उसे पुलिस के हवाले कर देती है। और सुनिए क्या होता है। दर्जा बहुत बड़ा बताया गया है, माँ के जैसा इस संसार में कोई नहीं होता। जब उस कातिल को सजा होने लगी, फिर भी माँ की आत्मा से एक ही बात निकली कि मेरे बेटे को सजा मत दो, इसको घर भेज दो, क्योंकि मेरे घर में मेरी बहू अकेली है। और वो माँ की आत्मा क्या कह रही है सुनिएगा जरा।
विभाजन नहीं, उस परमात्मा का एक संदेश है। और परमात्मा स्वयं कहते हैं कि मुझे न पूजकर घर में अपने माता पिता की सेवा कीजिए, मैं उसी में खुश हूँ। और जैसा इस बेटे ने किया ऐसा कोई भी बेटा ना करे, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे के लिए बहुत कष्ट सहती है जिसका हमें अनुमान भी नहीं होता। और इस संदेश को अपने जीवन में धारण करें।
प्रिय श्रोताओं, ये दर्द भरी कहानी उस बेटी की है जिसकी माँ संसार छोड़कर चली जाती है, और जो बिन माँ की बेटी होती है उसकी कहीं पर भी कदर नहीं होती, चाहे वो पीहर हो चाहे सासरा। और वो बेटी रो रो कर अपना दुख बयां कर रही है। सुनिए जरा इस गीत के माध्यम से।
बताओ। ये गीत इस प्रकार है कि भाई के घर बेटा पैदा होता है, वो खुशी खुशी अपनी बहन को लेने के लिए जाता है कि बहन बधाई हो, तू बुआ बन गई है, चल तुझे मेरे साथ घर चलना है। लेकिन लालची बहन जाने से साफ इनकार कर देती है और अपनी भाभी में क्या क्या नुक्स निकालती है सुनिएगा जरा। बिरसीली चाल बाल रे आज क्यों कर आया, बिरसीली चाल बाल रे आज क्यों कर आया, तेरी भावजी के हो आनंद लाल है तन ले वन आया, तेरी भावजी के हो आनंद लाल है तन ले वन आया, बीरा उच्छे घरा की भावजी रेवा बोले कोन्या, बीरा उच्छे घरा की भावजी रेवा बोले कोन्या, सतिया के कोई तील रेवा बांधे कोन्या, सतिया की कोए तील रेवा बांधे कोन्या, उके गड़ चंदन का हार रेवा देवे कोन्या, उके गड़ चंदन का हार रेवा देवे कोन्या, बिरसीली चाले बाल रे आज क्यों कर आया, आ जाता है। उसे इतने गुस्से में देखकर उससे पूछता है कि भगवान क्या हो गया, तू आज इतने गुस्से में क्यों है, और वो अपने पति को क्या जवाब देती है सुनिएगा जरा। मैं तो कंद का दामन पहर के ने पलंग पे बैठी, मैं तो कंद का दामन बारण ते आया भर तार रे गोरी क्यों कर रूसी, मेरा बारण ते आया भर तार रे गोरी क्यों कर रूसी, मेरा आर्य से बड़ा वीर हो पी हर ना जांगे, मेरा आर्य से बड़ा वीर हो पी हर ना जांगे, या ओछे घरा की भावज होवा बोले कोन्या, कोई तील होवा बांधे कोन्या, सतिया की कोए तील होवा बांधे कोन्या, उके गड़ चंदन का हार होवा देवे कोन्या, उके गड़ चंदन का हार होवा देवे कोन्या। और इतनी बात सुन के उसका पति उसको चार बातें सुनाता है। कहता है, अरे लालची औरत, तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरे भाई के घर लड़का पैदा हुआ है, और इससे बड़ी खुशी हमारे लिए क्या हो सकती है, और तू जाने से मना कर रही है, और क्या कहता है सुनिएगा जरा।